गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसजी व्लॉग्स। और दोपहर के बज चुके हैं 11 और हम लोग बस अभी नहा धोकर तैयार हुए हैं क्योंकि कल की थकावट इतनी हो गई थी, थकावट उतारी है। और हमने जहाँ रुकना था धर्मशाला अपने ये चेंज करी है जहाँ हम रुके हुए हैं, क्योंकि 4 दिन के लिए हमें यहाँ पे मिला है। बाकी देखो कि कब तक प्रभु की इजाज़त होगी और हम रुकेंगे यहाँ पे। बाकी लड्डू जी हमारे नीचे मंदिर में बैठे हैं और गोरी दिखाती हूँ आपको, मैं तैयार हो चुकी हूँ, देखो कैसी लग रही हूँ। ये गोरी बैठी, ये पर्स लेके बैठी हुई है मेरा और परफ्यूम लगा रही है आराम से बैठ के। और ये हमारा रूम है सारा, अब तो सारा बिखरा पड़ा है देखो। और ये बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, राधा कृष्ण की पेंटिंग है बड़ी ही प्यारी, ये रही सामने देखो कितनी सुंदर है ना बालकनी में। बाकी ये देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आज इन सब ने न्यू कपड़े डाले हैं, मैं न्यू कपड़ा कुछ नहीं लेके आई, न्यू सूट्स लेके नहीं आई इस बार, क्योंकि मैं दिल्ली से शॉपिंग करती हूँ, मुझे ना यहाँ से पसंद ही नहीं आते, इसलिए यही सूट मैं तो अपने जो पड़े थे वही उठा लाई, नए कपड़ों का टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम तक जाना बिल्कुल भी फाइनल नहीं था। गोरी कैसी लग रही है? गोरी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हो गए तैयार क्या? तेरी वेट कर रही हूँ। हो गए तैयार? चले चलो, हाँ अच्छे लग रहे हो। आएंगे बाकी बिहारी मंदिर और स्नेह बिहारी मंदिर, तो आइए चलते हैं। गाइज ये मंदिर है जहाँ हम रुके हुए हैं, वहीं पे ही नीचे राधा कृष्ण का बहुत प्यारा मंदिर है। और ये पंडित जी जो लड्डू आता है जब भी इनके पास ही रहता है हमारा लड्डू गोपाल। और आप देख सकते हो राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं और कान्हा जी भी, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। नहीं मैं नहीं पी रही, तू पीले पीनी है तो जा ठंडी ना लियो, ठीक है। ये लड्डू जी बैठा है हमारा, ना ना ले लो, आपसे थोड़ा सा ले लो। गाइज ये स्नेह बिहारी जी का मंदिर है और ये हम प्रसाद ले रहे हैं यहाँ से क्योंकि बाहर तो हमें मिला नहीं। और आप सभी भी ये दर्शन कीजिए स्नेह बिहारी जी के, देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं। और इन्होंने पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई है, कितनी खिल रही है इन पे। गाइस गोरी इतनी किस्मत वाली है, पंडित जी इसे अंदर स्नेह बिहारी जी के पास लेके गए और इसे चौखट के दर्शन करवाए, तो बहुत ही किस्मत वालों को ये दर्शन होते हैं, वरना बाहर से ही सबको भेज दिया जाता है, इनके पास नहीं जाने दिया जाता। बट गोरी जो है हमारी इनके बिल्कुल पास होके आई है और इनके चरणों की माला डाल के आई है। एक माला हमारी गोरी को मिली है और एक माला सेम हमारे लड्डू जी को भी मिली है अंदर से। गाइस बाकी बिहारी मंदिर में रश देखो कितना है और इनका फूल बंगला कितना ही सुंदर है। और आपको दर्शन करवाने के चक्कर में हमारा फ़ोन भी छीन लिया गया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हमें वापस मिला हमारा फ़ोन। तो आप सबके लिए दर्शन बहुत ज़रूरी थे, मैं चाहती थी आप सभी दर्शन करो यहाँ के। 8 बज चुके हैं रात के और मंदिर से अब जस्ट यहाँ धर्मशाला में आए हैं। और स्नेह बिहारी मंदिर गए थे हम और बाकी बिहारी मंदिर गए थे। स्नेह बिहारी मंदिर हम पहली बार गए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए और गुड्डू को चौखट के दर्शन भी हुए, आपने क्लिप देखी होगी।
वरना किसी को भी अंदर नहीं लेके जाते, बट गुड्डू हमारी आज बाकी बिहारी वहाँ स्नेह बिहारी जी की चौखट के दर्शन करके आई है। और बाकी बिहारी में बाकी बिहारी जी का बहुत ही सुंदर और अद्भुत फूल बंगला बना हुआ है, वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, हमने बहुत कोशिश करी कि आप लोगों को दर्शन करवाएं बट हम ब्लॉग नहीं बना पाए वहाँ का। और वहाँ बाकी बिहारी जी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए हैं। खाना खाने बस अब हम लोग जाएंगे या देखते हैं मंगवाएंगे, क्योंकि चल चल के इतनी थकावट हुई पड़ी है, पैर सूज जाते हैं। और मैंने आते हुए मार्केट से चप्पल ली है क्योंकि मैं जूती डाल के आई थी यहाँ पे, और जूती पता है आपको चलोगे पसीने से तो वो पैरों में लग जाती है, इसलिए आज चप्पल ली है मैंने। और अब मार्केट से जस्ट आई हूँ, मार्केट का व्लॉग भी मैं आप लोगों को अलग बना के दिखाऊंगी जिसमें मैं सारी मार्केट एक्सप्लोर करूंगी। और अब खाना वगैरह आता है तो आपको फिर दिखाती हूँ। गाइस ये खाना हमने यही मंगवा लिया, लड्डू जी हमारे भोग लगा रहे हैं और ये खाना यही पे ही मंगवा लिया हमने। गाइस हमने खाना खा लिया है और हम लोग नीचे पार्किंग में खड़े हैं और इतना रश है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। पार्किंग भी फुल हो गई है आज छुट्टियाँ करके, ये देखो सारी पार्किंग गाड़ियों की फुल हुई पड़ी है, ये खड़ी हमारी गाड़ी। हाँ बोलो। गाइस आज का मेरा व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, रात के बज चुके हैं 11 और थकावट बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, और अभी मुझे एडिटिंग भी करनी है सारी आप लोगों के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमने 5 बजे उठना है, तो थकावट बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। आप मेरी आंखें भी देख सकते हो, सूजी पड़ी है बिल्कुल, बट आप सबके लिए व्लॉग मैं मेहनत करके डालती हूँ, तो एक कॉमेंट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अभी बोलने की एनर्जी भी नहीं बची। तब तक के लिए बाय और जय श्री राधे।